थे टोटल, टोटली खरीद रहे थे। हाँ, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह खोलने का विचार था जी जी जी, क्योंकि यहाँ से देहरादून तक कोई यूनिवर्सिटी है भी नहीं। अच्छा अच्छा, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास ऑफिशियल में। और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गए भैया 19 बीघे जमीन, ठीक है जी, जमीन सही मिलेगी यहीं, बिल्कुल पक्की जमीन है ये, आप साइड में देख सकते हो पॉपुलर लगे हुए हैं, पॉपुलर के साथ साथ इसमें गेहूँ भी खड़ा हुआ है। और इस जमीन की खास बात भाई साहब ये है, इधर लेफ्ट साइड में मेरे NH-58 है, NH-58, ठीक है जी, और जहाँ मैं खड़ा हूँ लोकेशन भी शुरू में बता देता हूँ, ठीक है जी, कोई देखना चाहे बेफिक्र देखो, पूरी वीडियो देखो, कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे मालिक का, डायरेक्ट मालिक से बात है, ठीक है जी। 50 मीटर की दूरी पर हाईवे दिखा दो भाई, ये 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हाईवे है, ये सामने वो जा रहा देखो गाड़ी चलती हुई दे रही है ना, ठीक है, ये हाईवे है। बहुत ही प्राइम लोकेशन में ज़मीन है, छपार से बरले के बीच में पड़ेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हम भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी। ना ना ना, चैनल दिखाना उनका, ठीक है भाई साहब का क्या है ना भाई, थोड़ा सरकारी विभाग है तो इनका हम चेहरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि प्राइवेसी का मामला है। भाई साहब हमें ये बताओ इस जमीन के बारे में बताओ थोड़ा। भैया 19 बीघे ये जमीन है जी, कम से कम इस साइड में इसका, अच्छा अच्छा, ये पूर्व की साइड में इसका फ्रंट होगा 100 मीटर। 100 मीटर पूर्व की साइड, पूर्व की साइड। अच्छा, ये इधर जो ये साइड है ये तो उत्तर साइड है, ये एक उत्तर साइड है एक पूर्व साइड है, दोनों तरफ चक्रोड है इसके। अच्छा, दोनों तरफ चक्रोड है, देख लो जी ये चक्रोड है। और इसके फ्रंट की बात करें तो, फ्रंट की बात करें वहाँ पर भी इसका लगभग 70 से 100 के बीच में ही होगा। अच्छा, जो ये देखो जो मेरी उंगली पर आप ध्यान दो, ये जो मेरी उंगली आप देख सकते हो इसका जो वो सामने वहाँ पर फ्रंट है भाई साहब, वो इस जमीन का फ्रंट है 100 मीटर। और जो ये है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये है भाई साहब कम से कम ये पीछे वहाँ तक है ना, पीछे तक। हाँ जी, वहाँ तक तो इसका भी 150 मीटर होगा कम से कम, लगभग इतना ही। अच्छा ठीक है, तो ये मतलब आयताकारी जमीन है ये। जी जी बिल्कुल चकोर, ठीक है जी। और यहाँ इन्हें देख लो भाई साहब, इन्होंने ये पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं इसमें, हर साल ये 5-7 लाख के हर साल इसमें पेड़ कट जाए, पेड़ कट जाए, 4 खेत बना रखे हमने। अच्छा, हर साल रूटीन में पेड़ चलते रहे, कटते रहे, ठीक है। फसल देख लो और जमीन देख लो कितनी पक्की, ठीक है। वैसे जमीन दिखाने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि आप फसल के हिसाब से अंदाजा लगा लेना। ये देख लो इधर ये गन्ना वगैरह भी खड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया वोरा सामने हाईवे, ठीक है। मात्र 50 मीटर की दूरी पर ये जमीन है, ठीक है जी। खास बात आप देख लो इस जमीन की, मैं आपको इधर भी दिखा दूं, ये इधर गन्ना खड़ा है भाई साहब। हमें आप ये और बताओ इसमें ट्यूबवेल कितनी है, पानी का साधन? ट्यूबवेल पानी का साधन है, सरकारी ये क्या बोलते हैं अपनी पर्सनल ट्यूबवेल है। अच्छा अच्छा, और दूसरी बात है इसमें रजभाई का भी पानी आता है, इसमें रजभाई का पानी आवे है। अच्छा जी, ठीक है। लाइट वाइट की सुविधा है? लाइट की सब सुविधा है वहीं पर, कोने पर ही। अच्छा अच्छा, अभी ये कितना है पीछे? और ये यहाँ पर बता दो कितना है, यहाँ पर जाकर ये खत्म हो जाता है, यहाँ पे ये पॉपुलर, ये यहाँ पे खत्म हो गया। हाँ, ये हमारे ताऊ जी हर की है। अच्छा, दूसरी। अच्छा, चलो बढ़िया, तो ये दोनों की साझे में बाढ़ है ये लास्ट वाली। अच्छा भाई साहब, ये जो आपकी 19 बीघे जमीन है जी, अगर कोई बाहर की पार्टी आती है जी तो यहाँ और भी आसपास में जमीन मिल जाएंगी? और भी आसपास में, अभी पीछे एक पार्टी आई थी और 150 बीघे ये सारी रकबा खरीद रहे थे, टोटली खरीद रहे थे। हाँ, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह खोलने का विचार था जी जी जी, क्योंकि यहाँ से देहरादून तक कोई यूनिवर्सिटी है भी नहीं। अच्छा अच्छा, तो वो कुछ बीच में नहीं मसला हुआ होगा सौदेबाजी लेकर, तो ये सारी जमीन लगभग ऐसी है क्योंकि चकोर नंबर है और रोड से बिल्कुल टच है। अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं बिल्कुल भाई, बीच में कोई वैसा तो है नहीं, सीधे मालिक हो आप जी, आस्किंग प्राइस बता दो। आस्किंग प्राइस जी बिल्कुल लास्ट प्राइस है 25 लाख रुपए बीघा। 25 लाख रुपए बीघा जी। भाइयों मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ का जो बीघा होता है वो होता है 816 गज, ठीक है भाई साहब जी जी। 25 लाख रुपए बीघा लास्ट है, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ना भाई साहब, ये मालिक ही हैं, ठीक है, इधर उधर का कोई नहीं है, कोई डीलर का झंझट नहीं है। आप डायरेक्ट आओ, इनका मैं नंबर भी दे दूंगा डिस्प्ले में, और जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ की आपको लोकेशन भी दे दूंगा। मुजफ्फरनगर से ये जगह 20-25 किलोमीटर होगी? 20 किलोमीटर मुजफ्फरनगर से 20 किलोमीटर है, रुड़की से 30 किलोमीटर रुड़की से 30 किलोमीटर है, ठीक है जी। और गांव पड़ता है बरला। हाँ, गांव जो ये पड़ता है भाई साहब इनका, बरला पड़ता है, बरला छपार टोल पे। जब भी आप दिल्ली वालों को बता रहा हूँ, खासकर जब भी आप हरिद्वार को जाओगे तो
तो इसी रोड से होके जाओगे, NH-58 ये हाईवे है, बहुत ही बढ़िया प्राइम लोकेशन है, ठीक है जी। यहाँ का मैंने आपको पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है। किसान भाइयों, अगर आप इस जमीन को खरीदना चाहते हैं, दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें, भाई साहब डायरेक्ट मालिक का नंबर है, आप इनसे कॉल करके पूरी डिटेल पूछें। और इस जगह की लोकेशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। हमारे जो चैनल है यूट्यूब पर विकास ऑफिशियल के नाम से है, 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करो और आप यहाँ अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करो, कोई टेंशन नहीं है। भाई साहब क्लियर है ना मामला? बिल्कुल। कितने आदमियों का नाम जमीन है? अकेले का नाम। अकेले का नाम? हाँ, वैसे हमारी इकट्ठी है, बाबा के नाम पे ही चल रही। जी जी, पर सबका अलग अलग। सबका अलग अलग। हाँ ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, टाइटल क्लियर है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा मानना ये है भाई, किसान भाइयों की जमीन बहुत ज्यादा बिक रही है, मेरठ, मुजफ्फरनगर और ये आपका क्या बोलते हैं जी, शामली, अपना सहारनपुर और जी नोएडा। तो भाई साहब प्लीज गाड़ी घोड़े के चक्कर में ना पड़े, अपनी जमीन देके ना जमीन ले लो। 1-1 करोड़ रुपया बिक रही है तो 25 लाख रुपए बिका तो ले सकते हो। धन्यवाद।